वन अकेडमी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी? ऑल राइट, यस, फटाफट से लाइव आ जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन. Yes, now we are live. Yes, I can see we are live now. Give me a minute. I'm just sharing our session. आपसे भी request करते हैं please अपने अपने channels पे, अपने अपने networks में session को share कर दीजिए, अपने friends को बुला लो कि यहाँ पर GK की revision start हो चुकी है, ताकि आपके friends भी आकर. session कर सकें. चलिए, ऑल राइट, ऑल राइट, फटाफट से आ जाओ. हाँ जी, देख लेते हैं एक बार कौन कौन आ चुका है. सोमेश आ गया, रिदम अग्रवाल. रिदम बेटे, बहुत टाइम बाद क्लास कर रहे हो क्या? सृष्टि, कुंदन, ओके, शिवाली, श्री सिंह, ओ वाओ. मैम जल्दी आओ वरना मैं सो जाऊंगा. अरे सोने का टाइम नहीं है बेटा, पढ़ाई का टाइम है. अलीशा, डॉल्वी, देविका, सुहानी, सृष्टि, ओके, देविका, कुंदन, सोमेश, एकता, रमनदीप, देवेश, सुलक्ष्य, फटाफट से आ जाओ. बेबी कुमारी, सृष्टि, ओके, संचित, अर्पित, फ्रेम स्टोरी, सुहानी, निशु, रिया. मैम आज कौन से टॉपिक रिवाइज कराओगे? बेटा आज हम ट्राई करेंगे रिवाइज करने का. पहले तो नेशनल सिंबल्स रिवाइज करेंगे और हम फिर कुछ क्वेश्चंस जैसे कि लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट जो हम लोग कर रहे थे सीरीज, उसमें रिवीजन करेंगे. श्रीजन, प्रियुल, प्रियल, आदित्य, रिदम, वानी, पांडे, ओके, अक्षत, फटाफट से आ जाओ बेटा. आपके फेस पर कोई रिफ्लेक्शन आ रही है, ग्रे ग्रे, ओहो देखने दो यार. थैंक यू बताने के लिए डॉल्वी, थैंक यू. अच्छा ये कुछ तो हो रहा है यार. क्रोमा का इफेक्ट है, हाँ कुछ तो हो रहा है. अब ठीक है क्या? सिल्वर, हाँ थोड़ी चांदी लगा ली चेहरे पे. ओके, हेलो नियति, मे बी सम ग्लिच, यस, ओके. तो फटाफट से आ जाओ, स्टार्ट करें सेशन अपना, बोलो भाई. ओके, ट्राई करेंगे कि अपना सेशन जल्दी वाइंड अप कर लें, ठीक है. और कल का टेस्ट का टाइमिंग आपका डिसाइड ऑलरेडी हो चुका है, 12 बजे टेस्ट करने वाले हैं कल, ठीक है. 12 बजे कल का शेड्यूल बता देते हैं एक बार आपको. चलिए, हाँ जी, टुमारो शेड्यूल इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली. कल हम लोग 12 बजे करेंगे मॉक टेस्ट और ये होगा कंप्लीट, जो कि जैसा हमने आज किया था, अगेन 55 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. हाँ जैसे काजू कतली के ऊपर. तुम लोग कमाल हो यार, है ना. और एक बात बताओ भाई, इतने कम बच्चे क्यों आ रखे हैं? पढ़ाई नहीं करनी है तुमको? इतने कम बच्चे किस लिए आ रखे हैं? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने का मांगता है क्या? मैम जो आपने सी का पीडीएफ दी है उसको पढ़ लेंगे तो काफी होगा ना? कौन सा वाला? वन शॉट वाला? हाँ बेटा वो पढ़, उतना तो पढ़ो. चलिए तो यस बेटा, कल आपका 12 पीएम, ये मतलब सुबह के जो 12 वाला बजते हैं ना, डॉट वाला, वो वाला, ठीक है. तो यहाँ पे मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं और ये कंप्लीट मॉक टेस्ट होगा, जैसे कि आज हुआ था आपका. इसमें करंट अफेयर होगा, प्लस जीके होगा, प्लस जीए होगा. और अगेन 5 बजे, ठीक है, 5 पीएम पर हम लोग करेंगे हिस्ट्री को रिवाइज, जैसे हम लोग इकोनॉमी कर चुके हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं. मैम फेस पर टैटू बनवा लिया? हाँ बेटा, गोवा जाकर फेस पर टैटू बनवा लिया, क्या करें. चलो ठीक है बेटा, कल 5 बजे हिस्ट्री रिवाइज करेंगे अगेन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे और आंसर करते हैं. मैम शिप्राम की क्लास होती है 12 बजे डेली, ओहो बेटा फिर सोचते हैं अब क्या करें बताओ. 1 बजे कर लें, 1 o'clock ठीक रहेगा, 1. अब बस करो क्या मेरे,
चलो क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन। नेशनल फ्लैग का डिजाइन आज आप बहुत सुन रहा है, अरे बस करो यार। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। हाँ जी, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए, 22 जुलाई 1947। बायो का वन शॉट नहीं होगा बेटा, जनरल साइंस का एक साथ वन शॉट कराऊंगी, ठीक है, जनरल साइंस का एक साथ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट डज द सैफ्रन कलर सिग्निफाइज इन आर नेशनल फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग जो है अपना, उसमें आपको तीन कलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सैफ्रन देखने को मिलेगा, व्हाइट देखने को मिलेगा इन ग्रीन। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस पूछ रहा है सैफ्रन कलर का, बताइए। करिए आंसर ज्योग्राफी का बेटा, कर लेंगे वन शॉट, डोंट वरी, ज्योग्राफी का उसके बाद कर लेंगे, कल हिस्ट्री कर लेते हैं, और अगर कल टाइम रहा तो ज्योग्राफी का स्पेशल पे कल रात को कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये इट सिग्निफाइज व्हाट, स्ट्रेंथ एंड द करेज ऑफ द कंट्री। नहीं सुलक्ष्य बेटा, पीस एंड द ट्रूथ इज व्हाइट कलर, यस राइट आंसर होगा स्ट्रेंथ एंड करेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ पहले काम करो, मेरे सिल्वर मास्क के ऊपर बात कर लो, ठीक है। क्लास का क्या है बेटा, कर लेंगे, छोड़ देते हैं आज। चलो क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947, और इसके बीच में आपको अशोका चक्र देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको 24 इक्वली स्पेस स्पोक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं भाई। हाँ जी बताओ, जनगण मना कंपोज ओरिजिनली इन विच लैंग्वेज। आज ही किया था ये हमने क्वेश्चन, जनगण मना ओरिजिनली कंपोज इन विच लैंग्वेज, ये होगा बंगाली। वेरी गुड, सो दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। हाँ जी, क्वेश्चन है पूछ रहा है रविंद्रनाथ टैगोर अडॉप्टेड द हिंदी वर्जन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, बताइए व्हेन वाज। When was Rabindranath Tagore adopted Hindi version? Sorry, सो गए थे। अरे सोना नहीं है बेटा, एग्जाम आ रहे 21st से और तुम लोग सोने जा रहे हो आजकल। आंसर करो बेटा, ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है और मुझे गलत आंसर ज्यादा दिख रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था हिंदी वर्जन। तो जो बच्चे सी बोल रहे हैं वो रॉन्ग है बेटा, बी है इसका राइट आंसर। शुभांगी आ तो गई है अब। चलिए हाँ जी, व्हाट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम का मैम आप कितने बजे सोते हो? क्यों भाई, हमें सोने में बच जाता बेटा, दो तो बजता है एवरी डे। हाँ आंसर करो, व्हाट इज द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम का जो प्लेइंग टाइम है वो कितना है भाई, कितने सेकेंड्स का है? वेरी गुड, 52 सेकेंड्स का, ठीक है, 52 सेकेंड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो इट इज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950 और ओरिजिनली कंपोज इन बांग्ला बाय रविंद्रनाथ टैगोर और हिंदी वर्जन इस दिन अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। हाँ जी, ये बता दो जरा, ये हम हमेशा गलत करते हुए आ रहे हैं, आज इसको सही करके जाएंगे। सत्यमेव जयते। हाँ जी डॉल, वी सेम सेम पेंच। चलो बताइए सत्यमेव जयते का क्या मतलब है। कई बार हम इसमें कंफ्यूज होते हैं, आज बिल्कुल सही करना है।
क्या होगा इसका आंसर? ए ऑल श्योर, वेरी गुड। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। हाँ जी, क्वेश्चन में पूछ रहे, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज अ स्टेट एम्बलम जिसको धर्म चक्र कहा जाता है। ए लॉक कीजिए, वेरी गुड। चलो आज क्विज कंडक्ट करते हैं अमिताभ जी के स्टाइल में। हाँ जी, वंदे मातरम ओरिजिनली कंपोज्ड इन, वंदे मातरम ओरिजिनली कंपोज्ड इन सी, कश्यप नहीं आया क्या? कश्यप फिर इसमें बोलता है मैम आप, चलिए कंप्यूटर जी ने आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है और पूछ रहा है द सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज बाय द बंकिम चंद्र चैटर्जी। सो ओरिजिनली इट इज कंपोज्ड इन संस्कृत, ठीक है, संस्कृत। सी पे ताला लगाया जाए तो ये होता है आपका एकदम सही जवाब और आपको मिलता है एक फ्लावर। चलिए ऑलराइट, और ये कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र की जी एक किताब है, उनका उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। बंकिम चंद्र जी की किताब का नाम आपको बताना पड़ेगा, ये कह सके बीसी है। आनंद मठ, वेरी गुड, वेरी गुड श्रीजन, आनंद मठ से लिया गया था, ठीक है। चलिए ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, वंदे मातरम कंपोज ओरिजिनली इन संस्कृत और इट इज अ पार्ट ऑफ फेमस बुक ऑफ द बंकिम चंद्र चैटर्जी विच इज आनंद मठ। चलिए, हाँ जी, पिकॉक वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया व्हेन? एक टॉफी दे दो तो, ये लो भाई टॉफी ले लो। हेलो फाइनली मयंक जी, हेलो नमस्ते, ये लीजिए आपके लिए ये टॉफी। हाँ जी, आंसर करो, पिकॉक डिक्लेयर्ड एज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। मैम इसको कितने लोगों में बांटे होंगे? तो इसका राइट आंसर इज गोइंग टू बी 19 मैंने बता दिया, आगे का पीछे का आप बता दो। 1963, वेरी गुड। ए भी नहीं होगा, ए टू जेड तो खुद तुम्हारे नाम में लिखा हुआ है। चलो यस, ये आप देख सकते हो। नेशनल एनिमल की बात करें तो कौन है भैया? टाइगर, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? अप्रैल 1973 में। चलिए, सो नेशनल ट्री पूछा जाएगा तो बनियान ट्री करके आना भाई। नेशनल ट्री अगर पूछेगा और ऑप्शन दे देगा फेब्रुअरी और एक्स वाई जी करके दे देगा तो नेशनल ट्री में आपको पीपल ट्री दे देगा, नीम ट्री दे देगा, बनियान ट्री दे देगा, मैंगो ट्री दे देगा, तो राइट आंसर आप करके आओगे बनियान ट्री। एनिमल कैमल लग रहा था। चलो, नेचुरल फ्लावर लोटस, और इसका थोड़ा साइंटिफिक नेम भी याद रख लेना, नेलेम्बो नोसीफेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल कैलेंडर इज अ शाखा कैलेंडर जहाँ पे आपको हिंदी में जो महीनों के नाम होते हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 मार्च 1957 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, आगे चले, रिवीजन सेशन है बेटा, ठीक है। सब ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैम प्लीज वापस थ्योरी में पढ़ा दो, जस्ट आपको याद रखवा रही हूँ, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। करेंसी सिंबल की बात करेंगे तो दिस इज द करेंसी सिंबल विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द पब्लिक ऑन 15 जुलाई 2010, ठीक है। और इसको डिजाइन किसने किया था? इसको डिजाइन किया था उदय कुमार जी ने, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट थे IIT बॉम्बे से।
इट वॉज डिजाइन बाय उदय कुमार एंड ही वॉज द पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ इंडियन IIT बॉम्बे. तो ये नाम याद रखना, नाम याद रखना बेटा, उदय कुमार. ठीक है, तो एक कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें इनका सिंबल एक्सेप्ट किया गया था. इसमें देवनागरी का जो र होता है, हिंदी में जो हम र लिखते हैं वो लिखा हुआ है, ऊपर इक्वालिटी का सिंबल है, और लैटिन में जब आर लिखते हैं तो ये वर्टिकल लाइन आपको देखने को नहीं मिलेगी, बस बाकी इसमें लैटिन का आर भी अंदर है. ठीक है, सो इस तरीके से इसका डिजाइनिंग किया गया है. नाउ अब आपको इसका आंसर करना पड़ेगा, बताओ. हेलो पल्लवी जी, हेलो, आंसर करिए. मैम नीरज नहीं आया क्लास में, इतनी शांति है. अच्छा, तुम मिस कर रही हो क्या नीरज को? बताइए बेटा, आंसर करो. इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, श्योर हो? ए तो नहीं होना चाहिए. हाँ जी, बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या होगी? ढाका. भूटान की बात करेंगे तो फोर, और नेपाल की बात करेंगे तो काठमांडू, और चाइना की बात करेंगे तो बीजिंग. तो यहाँ पे देखो भाई, ए का टू, ए का टू, ठीक है, ए का टू, ओके. तो यस, बी का फोर, ओके, एंड सी का वन, एंड डी का थ्री. यस, ए है इसका राइट आंसर. ए पे ताला लगाया जाए. सैवेज मैन ओपी. ए पे कुंडी लगा दो, ताला लगा तो दिया. चलो हाँ जी, इसका आंसर करो, बताइए. मैथ्स दे फॉलोइंग करके आपको उस क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर करने की कोशिश करो. क्या गलत हो गया भाई? अच्छा, पल्लवी तुम्हारी पड़ोसी है. आंसर करो बेटा क्वेश्चन का, बताइए क्या होगा. अगेन मैच द फॉलोइंग दे रहा है, एक साइड आपको कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं और दूसरी साइड आपको उनका कैपिटल दिया हुआ है. ईरान की बात करेंगे तो टेहरन, ठीक है, इराक की बात करेंगे तो बगदाद, इसराइल की बात करेंगे तो जेरूसलम, और कजाकिस्तान की बात करेंगे तो अस्ताना. तो यस, ए का टू, ओके, बी का वन, ए का टू, बी का वन, सी का फोर, एंड डी का थ्री. यस, क्या होगा? डी होगा इसका आंसर. वेरी गुड, सो मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग. अच्छा पल्लवी, बहुत आसान है. अच्छा, वेरी गुड, तो आसान तो अच्छी बात है ना बेटा. हाँ जी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया पूछ रहा है. इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बता दो एक बार फटाफट से. लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है भाई? गंगा. ठीक है, गंगा. मयंक ने कर तो दिया आंसर भाई, कर दिया मयंक ने. और नीरज कहाँ गया? बोल रहा था मैम मैं आऊंगा. बेटा 54 बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं और लाइक कितने हैं? 12 लाइक. क्यों भाई, टेक्स लग रहा है तुम्हारा लाइक देने में? चलो लाइक करो सेशन को फटाफट से, शेयर तो करते नहीं हो, लाइक ही कर दो. हाँ जी, क्वेश्चन में पूछ रहा है, नेम द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया बाय द सिटिंग कैपेसिटी. और ये इंडिया ही नहीं प्लस वर्ल्ड भी कर लो, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम फॉर द क्रिकेट एज पर द सिटिंग कैपेसिटी, बताइए. 21 लाइक्स है मुझे तो भाई, 12 ही लाइक्स दिख रहे हैं. क्या होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम. वेरी गुड, ठीक है. और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट. और सेकंड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आपको मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, और थर्ड लार्जेस्ट अभी जयपुर में बनने वाला है, जयपुर में. ठीक है, तो ये याद रखना, क्रोनोलॉजी याद रखना. रिफ्रेश मांगता है. अच्छा, नेम द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, या साउथ की जो हमारी इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है उसका नाम आपको बताना पड़ेगा. कुंदन मार खाएगा बेटा, बता. अहमदाबाद गुज्जू में, यस. बताइए बेटा, पूछ रहा है नेम द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ, तो ये होगा गोदावरी. ठीक है, वो गोदावरी को और क्या कहा जाता है बेटा? वो गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए. गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है?
हाँ गोदावरी राइट आंसर है, मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग करेक्टली, बट आई एम आस्किंग, वेरी गुड कुंदन, दक्षिण गंगा, वेरी गुड, दक्षिण गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन इंडिया, कौन सी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है इंडिया की बताइए। नेम द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन इंडिया, वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या होगा, यमुना, ठीक है यमुना, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट वन। कोसी की अगर बात करें तो बेटा कोसी को क्या बोला जाता है, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार, ठीक है, कोसी की अगर बात करेंगे तो कोसी को बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। अच्छा मुझे उस रिवर का नाम बता दो, टेल मी द नेम ऑफ द रिवर दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, दैट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, मैंने आपसे पूछा टेल मी द नेम ऑफ द रिवर दैट कट्स, वेरी गुड, माही, माही जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काट के निकलती है। ऑल राइट हाँ जी MSD, अरे सुधर जाओ, पूछ रहा है नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, नेम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, कौन सी लेक है बेटा, ए वेरी गुड, वूलर लेक, कहाँ देखने को मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपसे पूछेगा नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, अगर क्वेश्चन में आएगा नेम द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया तो क्या होगा बेटा, चिलिका, वेरी गुड चिलिका, हाँ जी, नेम द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, मॉस्क, लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया पूछ रहा है, आंसर करो, ये ऑल एक तरीके से सुपरलेटिव्स है, जब हम लोग जीके का सेशन करेंगे तो वहां पर मैं आपको ये सारी चीजें एक टेबल के फॉर्मेट्स में दे दूंगी, सो दैट आपके पास एक कंटेंट आ जाएगा और आप वहां पे उस कंटेंट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। हाँ जी लार्जेस्ट मॉस्क पूछ रहा है तो होगा जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है नेम द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, नेशनल हाईवे पूछ रहा है, एक्सप्रेसवे नहीं है, बताइए कौन सा लॉन्गेस्ट है। हाँ जी वर्ल्ड की पूछेगा तो वर्ल्ड की सुपीरियर होगी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक आपको सुपीरियर देखने को मिलेगी, सुपीरियर, ठीक है भानु। हाँ जी क्वेश्चन में आपसे लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया पूछ रहा है तो ये होगा NH 44 विच इज फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। अगर सेम क्वेश्चन पूछता है एक्सप्रेस वे के लिए नेम द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे, बताइए डॉल्वी, मैंने बताया था बेटा लास्ट क्लास में, आई हैव ऑलरेडी गिवन आंसर टू योर क्वेश्चन, सेम है बेटा सेम, ये होगा दिल्ली टू मुंबई। ठीक है ये दिल्ली टू मुंबई होगा, और डॉल्वी मैंने ऑलरेडी का आंसर किया हुआ है बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपका आंसर कर दिया था। नेम द लॉन्गेस्ट डैम पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट डैम, बताइए बेटा,
हाँ जी, लॉन्गेस्ट पूछ रहा है बेटा, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट या टॉलेस्ट नहीं पूछ रहा है, तो तुम लोग अगर टहरी कर रहे हो तो वो गलत होगा, ठीक है। टहरी हाईएस्ट और टॉलेस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, बट लॉन्गेस्ट पूछ रहा है तो ये होगा हीराकुंड, हीराकुंड। ओके अच्छा, तो इसका राइटर गोगोई जी है ना, आपने पीडीएफ में हिमांता बिस्वा लिखा हुआ है था तो मुझको लगा। अच्छा मैं एक बार पीडीएफ चेक करती हूँ डॉलवी, ठीक है। हाँ गोगोई जी है इसके राइटर। नेम द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, नेम द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बताइए। मैम एसएससी सीएचएसएल में कब तक करंट अफेयर आएगा और आपका सेशन इनफ होगा? बेटा एसएससी सीएचएसएल में लास्ट वन ईयर का तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, वन ईयर का बहुत अच्छे से आना चाहिए। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी स्टेट की है? भाई गुजरात की आपको लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देखने को मिलेगी, तो ये सब अगर मेजर किया जाए तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आती है गुजरात की, यानी कि गुज्जू की। चलो गुजरात की कैपिटल बता दो एक बार, गुजरात की कैपिटल बता दो एक बार। बेटा कल वरुण सर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है, तो प्लीज उस सेशन को अच्छे से देखना, मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि जीटी में आपका करंट अफेयर एंड जीके के साथ साथ क्वांट्स एंड रीजनिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वांट्स एंड रीजनिंग वरुण सर से अच्छा आपको कहीं भी देखने को सेशन नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर भी सर ने बहुत अच्छे से सेशंस करवाए थे और बच्चों के बहुत ज़्यादा उनके फीडबैक्स भी हैं, ठीक है। तो कल जो सेशन होगा सर का 8:30 बजे होगा, 8:30 बजे एक निचोड़ सेशन है फॉर क्वांट्स एंड रीजनिंग, ठीक है, जीटी के लिए, तो प्लीज डू वॉच द सेशन इन द मॉर्निंग। अब मुझे मुझे बताओ तो, यस मैम वी विल बी इन द क्लास, बोलिए। यस प्रॉमिस कर रहे हो? हाँ जी सर के सेशन में सारे दिखेंगे, आई विल बी देयर, मैं भी सुबह क्लास में रहूंगी, और मुझे एक भी बच्चा मिस मिला ना यहाँ पे, देखो वरुण सर भी आ गए अपने पास, ठीक है सर, ये सारे बच्चे रहेंगे सेशन में, अगर कोई भी मिस रहा तो मैं इनको एक भी पीडीएफ नहीं देने वाली हूँ। अगर किसी ने भी सर की क्लास को मिस किया तो भूल जाना कि जीके का वन शॉट का पीडीएफ आपको मिलेगा, और ये आप धमकी समझो चाहे इसको वार्निंग समझो, जीके का जो मैं वन शॉट का पीडीएफ बनाने वाली हूँ मैं आपको नहीं दूंगी बिल्कुल भी, ठीक है। चलो ऑलराइट, तो यस बेटा कल सर का वन शॉट सेशन रहेगा, तो कुछ ये वन शॉट सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट जब आप पढ़ते हो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने ये सेशन करा ये नहीं करा, इतनी बड़ी प्लेलिस्ट होती है तो आप लोग के लिए भी डिफिकल्टी हो जाती है उसको देखने के लिए। तो वन शॉट सेशन में क्या होता है कि आपको एक जगह सब कुछ मिल जाता है, अगर आप एक वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, तो इसीलिए वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको करंट अफेयर्स का करवाया था, मैं आपको बोलती हूँ 6 महीने के 2 वीडियो देखो, जैन का 1 वीडियो देखो, फैब का देखो, मार्च का देखो, अप्रैल का देखो, बट नाउ आई हैव गिवन यू 1 वीडियो, तो अगर आप उस एक वीडियो को देख लोगे चाहे वो 3 से 4 घंटे का होगा, पर आपके पास एक जगह कलेक्टिवली आपका कॉन्टेंट होगा, ठीक है। सुबह 8:30 बजे सर का सेशन है, हाँ मैं भी आऊंगी कल सेशन में, आई विल बी देयर। चलो मैं उठ जाऊंगी तो मैं पक्का आऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है पूछा है लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया कौन सा है, बता दो भाई, लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया। हाँ जी अपने अपने व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दो सर के सेशन की, बताइए बेटा जी लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे, क्यों नहीं कर पाऊंगी मैं क्वांट्स भाई, इतना भी नहीं ऐसा नहीं है, आता है मुझे, ठीक है, फिजिक्स थी मेरे पास। हाँ जी ये होगा इंडियन म्यूजियम कोलकाता, यस सी है इसका राइट आंसर। अगर पूछा जाएगा बेटा लार्जेस्ट लाइब्रेरी, ठीक है, लार्जेस्ट लाइब्रेरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये भी आपको कोलकाता में देखने को मिलेगी, और लार्जेस्ट के साथ साथ ओल्डेस्ट लाइब्रेरी भी यू कैन फाइंड ओनली इन कोलकाता, ठीक है, ओनली इन कोलकाता।
चलिए ऑल राइट। अगर कोलकाता की बात करेंगे तो आपको इंटरनेशनल बुक फेयर भी देखने को मिलेगा कोलकाता में ही, ठीक है, और वो एशिया का लार्जेस्ट बुक फेयर होता है, एशिया का लार्जेस्ट बुक फेयर होता है। चलिए क्वेश्चन में पूछा है नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, बताइए। कौन सा डेजर्ट है इंडिया में लार्जेस्ट पूछ रहा है। थार डेजर्ट, यस, वन एंड ओनली थार डेजर्ट, ठीक है। और राइट, अगर आपको कोल्ड डेजर्ट पूछा जाएगा तो बेटा ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट यू कैन फाइंड इन लद्दाख। चलिए क्वेश्चन में पूछ रहा है नेम द लार्जेस्ट कैटल फेयर, नेम द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन इंडिया। कैटल फेयर यानी कि जहां पर कैटल्स को लाया जाता है, ट्रेड होता है कैटल्स का, तो इस तरीके का लार्जेस्ट कैटल फेयर कहाँ लगता है। महिंद्रा थार करवाओ तुम लोगों को, महिंद्रा थार पढ़ लो, थार डेजर्ट याद रखो। अभी महिंद्रा थार को अभी थोड़े दिनों बाद कॉलेज में जाकर इन पे बात करना, अभी बात करो थार डेजर्ट की, इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट। हाँ जी, लार्जेस्ट कैटल फेयर सोनपुर कैटल फेयर जो कि बिहार में लगता है बेटा, बिहार में। और पुष्कर कैटल फेयर, पुष्कर कैटल फेयर अगर पूछा जाएगा तो पुष्कर कैटल फेयर बता दिया ना बेटा, बिहार में होता है। अजमेर राजस्थान, वेरी गुड, राजस्थान में देखने को मिलेगा। हाँ जी, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं नेम द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, एरिया वाइज कौन सा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट है। नेम द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, एरिया वाइज आपसे क्वेश्चन कर रहा है। कब आए आप, जब आप सो रही थी रक्षा जी, हम तब आ गए। अच्छा, मैं तुम्हारी सिस्टर जैसी लगती हूँ। हु आर फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम राजस्थान। चलिए आंसर करो, लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज होगा राजस्थान। और अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, भाई वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री एज पर द एरिया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री एज पर द एरिया कौन सी होगी। रशिया, वेरी गुड, रशिया, ठीक है। अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड की पूछ रही हूँ बेटा, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री पूछा जाएगा तो कौन सी होगी। वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री अगर पूछा जाएगा तो बताइए। वेटिकन सिटी, वेरी गुड, कौन सी सिटी, वैटिकन सिटी, और इसी के साथ होती है बैटरी लो, वैटिकन सिटी होगी स्मॉलेस्ट कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट इन इंडिया, मतलब कि इंडिया की कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा। एमपी में सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलेगा, साथ के साथ आपको 11 नेशनल पार्क्स भी एमपी में ही देखने को मिलेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश। हाँ जी, लार्जेस्ट गुरुद्वारा कौन सा है बताइए इंडिया में, लार्जेस्ट गुरुद्वारा, जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, प्लीज आंसर करते जाओ। वेरी गुड कुलदीप, वेरी गुड, देखती हूँ बेटा मेरे पास आंसर आते हैं, मैं देखती हूँ, डोंट वरी। हेलो मैम, मैं गुड्डू पंडित। हाँ जी बेटा, हेलो, क्वेश्चन कर लो बेटा, आ गए हो तो पढ़ लो। गोल्डन टेम्पल इज द लार्जेस्ट गुरुद्वारा एंड इट इज लोकेटेड इन अमृतसर, अमृतसर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पर्ल गर्ल इज शोइंग द सेम सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप एज 24th में एग्जाम एंड आई कांट सी एनी सिटी इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम बिटवीन 24th टू डेट। हाँ जी बेटा, अगर नहीं है तो फिर
एट के बाद आएगा, और ट्राई करो रेगुलरली। अब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, एवरी ईओडी यानी एंड ऑफ द डे अपना लॉग इन करके देखो, अगर कुछ अपडेट होगा तो आपको मिल जाएगा। लार्जेस्ट स्टेट विद द पॉपुलेशन इन इंडिया, तो यहाँ पे आपको बताना है गोल्डन टेम्पल को और हरमंदिर साहिब कहते हैं। अरे एक सेकेंड रुको, कौन है ये बच्चा? द करीना शर्मा। मैम मेरे कोर्स में जीटी इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं पढ़ूं फिर? तो बेटा आपने जो कोर्स डाले हैं उनमें जीटी नहीं है तो फिर आप जो इम्पोर्टेंट है वो फोकस करो। ओनली यूपी बेटा, ओनली यूपी। अगर हाँ जी क्वेश्चन है, पूछ रहा है नेम द लार्जेस्ट प्लैनेटेरियम इन इंडिया। नेम द लार्जेस्ट प्लैनेटेरियम यानी कि जो तारामंडल जो होते हैं ना, तारामंडल, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में बहुत ही फेमस तारामंडल देखने को मिलेगा जिसको प्लैनेटेरियम कहा जाता है। दिल्ली में आपको नेहरू प्लैनेटेरियम देखने को मिलेगा एंड इट्स वेरी अमेजिंग। वहाँ पे एक शो होता है, मैं जब छोटी थी तो रेगुलरली जाती थी, वहाँ पे एक शो होता है प्लैनेटेरियम शो करके, तो बहुत अच्छा होता है, पूरे स्पेस के बारे में दिखाते हैं। तो अगर आपको कभी टाइम मिलता है एग्जाम से फ्री होकर तो प्लीज़ जाना, मज़ा आएगा वहाँ पर। ऑल राइट, शीतल चौहान आ गई हैं। हाँ जी, लार्जेस्ट प्लैनेटेरियम इज लोकेटेड इन कोलकाता और उसका नाम है बिरला प्लैनेटेरियम। हाँ डीयू जाकर जरूर देखना। लार्जेस्ट सिटी विद द पॉपुलेशन, हाँ लार्जेस्ट सिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टेट तो अभी हम उत्तर प्रदेश करके गए, सिटी पूछ रहा है, बताइए भाई। लार्जेस्ट वाले में जाओगे तो भाई लार्जेस्ट वाले में जाओ। मुंबई में आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और मुंबई की बात कर रहे हैं तो बेटा इसका ये भी ध्यान रखना, इंडिया में अगर सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा गया है तो वो मुंबई में देखा गया है एज पर द 2023 रिपोर्ट, और मुंबई को ट्री सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। मुंबई को यहाँ पर पॉल्यूशन भी देखा गया है, मुंबई में न्यू दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूशन मुंबई में देखा गया है एज पर द रिपोर्ट। बेस्ट ट्रांसपोर्ट, ट्री सिटी एंड पॉल्यूशन इज वेल मोस्ट पॉल्यूटेड, यस। चलिए लार्जेस्ट डोम, लार्जेस्ट डोम कौन सा है भाई? डोम बताइए, आंसर करो। क्लास बस बेटा खत्म होने वाली, गोल गुंबज, वेरी गुड कुलदीप, वेरी गुड कुलदीप, सबसे पहले आंसर करता है आजकल, बहुत बढ़िया, गोल गुंबज। पूछ रहा है नेम द लॉन्गेस्ट रिवर दैट फॉर्म द एस्टुरीज, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर दैट फॉर्म एस्टुरी। नर्मदा, वेरी गुड, ठीक है। साउथ की जो मेनली रिवर है बेटा, दोज आर ईस्ट फ्लोइंग बट नर्मदा एंड तापी आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। एस्चुरी क्या होता है बेटा? जब आप वैलीज में रिवर को फ्लो होते हुए देखते हो, ठीक है, तो वो एस्चुरी फॉर्म करते हुए जाती है, सतपुरा और यहाँ पे विंध्यास की रेंज के बीच में से फ्लो करती है, तो उसी के फ्लो में वो बहती हुई जाती है, और ये कौन सी फ्लोइंग रिवर बन जाती है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कि अमरकंटक से निकलती है, और वो अमरकंटक आपको एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। चलिए ऑल राइट, क्वेश्चन में पूछा है लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट बीच बता दो इंडिया का। जब कॉलेज जाओगे तब घूमने फिरने जाओगे तो ये तो पता होना चाहिए ना लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है। मरीना, वेरी गुड, मरीना बीच, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मरीना बीच कहाँ पर लोकेटेड है बेटा? मरीना बीच लोकेटेड कहां पर है ये आंसर कर दो। चेन्नई, वेरी गुड, फ्रेम स्टोरी, वेरी गुड, चेन्नई में देखने को मिलेगा, ठीक है। गोवा में तो बेटा आपको कलंगुट देखने को
को मिलेगा, कलंगुट देखने को मिलेगा गोवा में, और आपको सिंक्रीन देखने को मिलेगा, बागा देखने को मिलेगा, कैंडोलिम देखने को मिलेगा, कोला बीच देखने को मिलेगा, बहुत सारे बीचेस आपको गोवा में देखने को मिलेंगे। अच्छा पहले कुंदन ने किया, ठीक है। हाईएस्ट डैम पूछ रहा है अब आपसे, हाईएस्ट डैम। अब एक सेकंड, डॉल्वी कह रही राइट सीयूटी यूजी विद वन डोमेन इज देयर एनी प्रॉब्लम। बेटा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप, बताइए भाई टहरी, अगर हाईएस्ट पूछ रहा है तो टहरी और ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, और राणा प्रताप सागर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया, ओहो रिपीटेड क्वेश्चन कैसे आ गया भाई। मरीना, अगेन मरीना। लॉन्गेस्ट कनाल पूछ रहा है, बताइए भैया लॉन्गेस्ट कनाल ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट कनाल ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी कनाल, वेरी गुड, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बी यस, ओके। लॉन्गेस्ट केव इन इंडिया लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी, लॉन्गेस्ट केव पूछ रहा है, बताइए भैया लॉन्गेस्ट केव। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब हम लोग केव्स पढ़ रहे थे, मैंने ऑलरेडी आपको ये करवाया हुआ है, बताइए। मैम कल का मॉक 12:30 को शिफ्ट हो सकता है क्या? गिरीश सर भी क्विज सेशन 11:30 से वो एक घंटा अच्छी चलेगा। तुम सारे बच्चे एक बार बताओ मुझे, ये मुझे ही क्यों बोलते हो सेशन को शिफ्ट करने के लिए? मैं तो 12:00 लूंगी सेशन। हाँ जो आते हैं मुझे ही बोलते हैं, मैम प्लीज इसको इस टाइम पे कर लो, इस टाइम पे कर लो। हम तो नहीं मान रहे तुम्हारी बात। लॉन्गेस्ट केव इन इंडिया इज लोकेटेड इन मेघालय, और इसको मेघालय में है भैया। हाँ आप मान जाती हो तो हमको ही बोलोगे क्या? हाँ जी मेघालय में है, और इसका नाम होगा लियात प्रहा, लियात प्रहा, क्रेम लियात प्रहा इसका नाम है, ठीक है, एंड लोकेटेड इन मेघालय। आप सुन लेती हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं भी तो मॉक करा रही हूँ, शिप्रा मैम मॉक करा रही हूँ, मैं भी मॉक करा रही हूँ, गिरीश सर भी मॉक करा रहे हैं। अब तुम देख लेना भैया तुम्हें कौन से मॉक में आना है। हाँ जी बताओ भाई, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कौन सी महिला थी जो पहली महिला थी टू बी बिकम अ चीफ मिनिस्टर? रक्षा मेरे साथ है, शुभांगी मेरे साथ है, बस। भानु भी मेरे साथ है, बस और क्या चाहिए। दो तीन बच्चे भी रहेंगे तो भी सेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर पूछ रहा है तो सुचिता कृपालनी जी, और ये कहाँ की थी? ये थी उत्तर प्रदेश की, यूपी की। मैं इंडिया के साथ हूँ, अच्छा भानु भी है ना, ठीक है चलेगा। चलिए ऑल राइट, नेम द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया, डेल्टा। हाँ फर्स्ट आईपीएस वुमेन किरण बेदी, वेरी गुड। मैं भी हूं, डॉल्वी भी है, ठीक है, बस करने वाले बेटा, खत्म होने वाला है सेशन। लार्जेस्ट डेल्टा वॉज फॉर्म्ड बाय द टू रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, सुंदरबन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट बैरेज तो फरक्का बैरेज होगा, ठीक है, बैरेज अगर पूछेगा तो फरक्का बैरेज। सियांग दियांग, डॉल्वी तुम्हें सियांग और दियांग बहुत अच्छे से याद हो गया है, हाँ ये
केशव भी मेरे साथ है। बस अब तो 10 बच्चे हो गए भाई, अब तो क्लास 12 बजे ही होगी। शीतल मैम आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, अभी हमने आपको ये बताया है। श्रीजन भी हमारे साथ है। रक्षा भी अपने साथ है। मयंक चिल्ला क्यों रहे हो, कलकत्ता में है लार्जेस्ट लाइब्रेरी और ओल्डेस्ट लाइब्रेरी भी आपको कलकत्ता में ही देखने को मिलेगी। सो बेटा इसी के साथ होता है आपके क्वेश्चंस की समाप्ति, ठीक है। ऑलराइट, श्रीजन ने पार्टी बदल दी भाई, को क्यों भाई श्रीजन ऐसे मत कर। ऑल राइट बेटा, तो इसी के साथ आपका सेशन होता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आपका फ्राइडे को मैं भी एक मॉक टेस्ट वन शॉट कर रही हूँ बेटा, फ्राइडे को वन शॉट हो रहा है आपका, और ये हो रहा है जीके का। तो जीके का आपका कंटेंट एक जगह मिलेगा, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। फ्राइडे को होगा 10 बजे, 10 PM। तो ये मेरा सेशन भी याद रखना, और कल सुबह 8:30 बजे सर का सेशन है, इम्पोर्टेंट सेशन है, वो भी क्लास अटेंड करना। मैम मैं तो बोल रहा हूँ कि आप 24/7 क्लास लिया करो। अच्छा, और तुम चाहे क्लास में एक में भी मत आना, है ना कनिष्क भल्ला। मैम जीके निचोड़, हाँ जी बेटा जीके निचोड़ ही होगा, ठीक है, फ्राइडे को 10 बजे। चलिए ऑल राइट, चलिए बेटा एंड करते हैं आज का सेशन। सो ग्रेट टाइम विद यू ऑल। अब मिलते हैं हम कब मिलते हैं, कल मिलते हैं, टेस्ट करेंगे सुबह, और 5 बजे हम लोग हिस्ट्री रिवाइज करेंगे। तो दोनों सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, टाइमली ज्वाइन करना। और टेस्ट का टाइमिंग क्या रख रहा है मैं अभी टेलीग्राम पर पोल करवाती हूँ, तो प्लीज़ टेलीग्राम पर सब वहाँ पर रिप्लाई करना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना टाइम मैं टेलीग्राम पे कंफर्म करती हूँ, ठीक है। टाइम आई विल कंफर्म ऑन टेलीग्राम, वहाँ पर पोल करवाते हैं, वहीं पे कंफर्म करते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे सेशन, से ग्रेट टाइम विद यू ऑल। अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। बाय बाय, और ट्राई किया करो कि आप हमारे सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। बाय बाय, कनिका मीना बाय बेटा, शुभांगी बाय, भानु पल्लवी, राज, सोमेश टाटा बाय बाय, रक्षा, कनिका ओके, देविका, प्रीति कश्यप, पंकज कुमार, अच्छा पंकज ने लाइक करके 50 कर दिया, अमन ठीक है बेटा जी, चलो टाटा बाय बाय, निशु